नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल रॉक स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के पेमेंट्स रिलेटेड एक नए बैट अपडेट के बारे में। दोस्तों, जितने भी छात्र छात्राओं ने बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किए हैं, उन सभी के लिए यह वीडियो जो है काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है, खास करके उन स्टूडेंट को जिसका की पेमेंट अभी तक अकाउंट में रिसीव नहीं हुआ है। आप सभी में से जो है बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिसका की फॉर्म का वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद पेमेंट जो है अभी तक अंडर प्रोसेस और किसी का पेंडिंग शो कर रहा है। जैसे जैसे फॉर्म का वेरिफिकेशन हो रहा है, वैसे वैसे ही यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट का पेमेंट स्टेटस में जो है पेमेंट अंडर प्रोसेस और पेंडिंग शो कर रहा है, जिसको लेकर के जो है बहुत सारे छात्र छात्राएं परेशान है कि कब हमको जो है पैसा मिलेगा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का, मिलेगा भी या नहीं भी मिलेगा। आज की इस वीडियो में जो हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो जिसका भी पेमेंट या अंडर प्रोसेस यहाँ पर शो कर रहा है, क्यों शो कर रहा है, इसके लिए जो है आप सभी को क्या करना होगा, आखिर कब तक जो है पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, इसी के ऊपर जो है पूरी डिटेल्स के साथ हम बातचीत करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि हम कोई भी स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियो लेके आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहेगा। सबसे पहले आपको अपना आवेदन का स्थिति यानी कि एप्लीकेशन स्थिति पता कर लेना है। उसके लिए आप जो है गूगल क्रोम में आइएगा और लिखना है इस प्रकार से, बिहार लिखिएगा, हेल्प लिखना है, .in लगा करके आपको सर्च कर लेना है। जैसे आप सर्च करते हैं तो आपके सामने बिहार हेल्प का जो है वेबसाइट कुछ इस प्रकार से यहाँ पर देखिए ओपन हो चुका है, जहाँ से कि आप अपना यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ से जो है पेमेंट लिस्ट में नाम देख पाएंगे। थोड़ा सा आप नीचे आइएगा तो यहाँ पर एक बटन देखने को मिलता है स्कॉलरशिप अपडेट का ऑप्शन, तो इसके नीचे यहाँ पर देखेंगे देखने को मिलता है आपको बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में यहाँ पर जो है बता दिया गया। देखिए यहाँ पर देखने को मिलता है बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्टेटस, तो सिंपली आपको जो है इसी लिंक पर यहाँ से क्लिक कर लेना है, इसी बटन पर। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से एड आएगा, बंद करे पहले बटन पर सिंपली आपको क्लिक कर लेना होगा। जैसे क्लिक करते हैं तो अब आपके सामने पेज कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाता है। थोड़ा सा आप नीचे मूव कीजिएगा, नीचे आने के बाद जहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार का लिंक देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप अपना डायरेक्टली आवेदन का स्थिति पता कर पाएंगे। यहाँ पर देखने को मिलता है डायरेक्टली लिंक टू चेक द स्टेटस, सिंपली क्लिक हेयर वाले बटन पर सिंपली यहाँ से क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पर देखने को आपको मिल जाता है। यहाँ पर जो फिल्टर बाय का ऑप्शन है, सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अगर आपको जो एप्लीकेशन आईडी याद है तो एप्लीकेशन आईडी को सिलेक्ट कर सकते हैं, यूजर आईडी याद है तो यूजर आईडी को सिलेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर याद है तो मोबाइल नंबर को सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ से फिलअप कर लेना है। एक एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ मोबाइल नंबर और यहाँ से जो आपको डेट ऑफ बर्थ फिलअप करके सर्च पर क्लिक करना होगा। चलिए हम सभी डिटेल्स को फिल करके आगे की प्रक्रिया हम यहाँ पर बताते हैं। जैसे इस पर क्लिक किए हैं तो हमारे सामने देखिए इस स्टूडेंट का जो है यहाँ पर सारा कुछ आ चुका है डिटेल्स। यहाँ पर ये स्टूडेंट का जो है सब कुछ वेरिफिकेशन हो चुका है, इंस्टीट्यूट भी वेरिफिकेशन है, फिजिकल वेरिफिकेशन भी ये भी एक्सेप्टेड है, डिस्ट्रिक्ट मेकर भी एक्सेप्टेड है और डिस्ट्रिक्ट चेकर स्टेटस भी एक्सेप्टेड है, होम डिस्ट्रिक्ट चेकर स्टेटस भी एक्सेप्टेड है, पेमेंट स्टेटस में अंदर प्रोसेस शो कर रहा है। सबसे पहले अंडर प्रोसेस का काम समझिए क्या होता है। अंडर प्रोसेस का मतलब होता है कि इसके अंदर में काम अभी जारी है, काम जो है चल रहा है, यहाँ पर जो है कुछ ही दिन के अंदर आप सभी का जो है पेमेंट को जारी कर दिया जाएगा। अब देखिए अंडर प्रोसेस में यहाँ पर दिखाने का मतलब ये है कि इसके अंदर में काम अभी चल रहा है। यहाँ पर जो है कुछ दिन पहले बहुत सारे स्टूडेंट का धराधर पैसा आ रहा था, जो कि आप सभी देख भी रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट का पैसा आ रहा था, लेकिन अचानक क्या हुआ, पेमेंट जो यहाँ पर बहुत सारे जो स्टूडेंट का आ रहा था, ऐसे में उन सभी का पेमेंट जो है अचानक रिजेक्ट भी हो गया था बीच में। तो ये एक रिजेक्ट होने का एक रीजन ये था, तो वहाँ पर साफ लिखा हो रहा था फंड नॉट अवेलेबल बैलेंस, है ना, यानी कि फंड में जो है बैलेंस अवेलेबल नहीं है, जिस कारण से उन सभी का पेमेंट रिजेक्ट हो रहा है। बाद में क्या हुआ, उन सभी का पेमेंट जो है फिर से अंडर प्रोसेस में चले गया, जैसा कि इस स्टूडेंट का भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पर पेमेंट अंडर प्रोसेस में चले गया। जो भी स्टूडेंट का रिजेक्ट भी हुआ था उसका भी पेमेंट अंडर प्रोसेस में शो होने लगा। देखिए फंड में यानी कि जो पैसा जारी करता है वित्त विभाग की तरफ से, सरकार पैसा देने वित्त विभाग की ओर से जारी करता है, तो फंड में जो है जो यहाँ पैसा भेजने वाले यानी कि अधिकारी थे, तो हर एक जो है कास्ट वाइज पैसा को जारी किया, किसी कास्ट में 94 लाख, किसी में जो है 38 लाख, 20 लाख, इस प्रकार से जो यहाँ पर जारी होता है। एक एग्जाम्पल के रूप में हमने यहाँ पर आपको पैसा का एक अनुमान बताया, तो यहाँ पर जो है पैसा जैसे खत्म हो गया तो उन सभी का रिजेक्ट हो गया। अब जैसे फंड में फिर से पैसा सरकार जो है जारी करेगा, तो जैसे पैसा
फंड में आएगा तो सभी स्टूडेंट का जिसका भी अंडर प्रोसेस में यानी कि दिखाड़ा काम यानी कि चल रहा पेमेंट का काम जो उसके अंदर में चल रहा है, जैसे सरकार जारी करता पैसा तो पैसा आप सभी का ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पैसा आप सभी का कहीं भी जाने वाला नहीं है, पैसा जैसे जारी होगा तो पैसा आप सभी का अकाउंट में यहाँ पर भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी स्टूडेंट इससे लेकर के परेशान है कि हमारा जो पेमेंट अभी तक नहीं आया, क्यों नहीं आया है, तो देखिए जैसे पैसा जारी होता है तो आप जो चेक करने के लिए अपना गूगल क्रोम को ओपन कर लीजिएगा कब पैसा जारी होता है नहीं होता है। तो यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ से लिखिएगा इस प्रकार से बिहार, लिखने के बाद बिहार एजुकेशन इस प्रकार से लिखिएगा डिपार्टमेंट ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके स्क्रीन पर आ जाता है, जहां से आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करते ही आपके सामने अगला पेज कुछ इस प्रकार से यहाँ पर देखिए ओपन होना स्टार्ट हो जाता है। ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको एक बटन देखने को मिला है 4 डॉट का, सिंपली मेन्यू वाले बटन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर देखिए ऑफिस डॉक्यूमेंट्स कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो आपको हायर एजुकेशन का जो बटन यहाँ पर देखने को इस प्रकार से मिल रहा था, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, तो सिंपली आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो फंड में पैसा जारी जितना भी कुछ का होता है तो यहाँ पर जो है सभी डिटेल्स यहाँ पर आ जाता है, कौन से फंड के लिए कितना पैसा जारी हुआ है या नहीं हुआ, सारा डिटेल्स यहाँ पर देखने को आपको मिल जाता है। हालांकि अभी जो है फंड में पैसा जारी नहीं हुआ है, अगर फंड में पैसा जैसे जारी होता है हम इस पर भी वीडियो आप सभी के समक्ष लेकर के हाजिर होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को कुछ दिन के लिए यहाँ पर वेट करना है, अभी जो इसका वेरिफिकेशन का भी काम सुचारू रूप से चालू है। जो भी स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे तो हमारे ख्याल से जवाब आप सभी को मिल गया होगा क्यों यहाँ पर जो है आ रहा है, तो आप सभी को परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप सभी को 100% स्कॉलरशिप मिलेगा जिसका भी वेरिफिकेशन हो चुका, पैसा कहीं जाने वाला नहीं है। सरकार जैसे पैसा जारी करता है तो पैसा यहाँ पर जो देने वाले हैं जो भी अकाउंटेंट है वैसे भी पैसा आप सभी के अकाउंट में भेजना स्टार्ट कर देगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस आप सभी को जो है इसी अपडेट के बारे में जानकारी देना था। आई होप कि आज का वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल हुआ होगा। यदि वीडियो इंफॉर्मेटिव है तो वीडियो को लाइक करते अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।